माई सेल रोवेसर और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड और आज का टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड एंड दोज फैक्टर्स विच हेल्प अस टू स्टडी द लिविंग वर्ल्ड इन ए सिस्टमैटिक मैनर तो लिविंग वर्ल्ड में इतने सारे वराइटी लिविंग ऑर्गेजम्स का तो उनको अगर हम लोग सिस्टमेटिकली स्टडी नहीं करेंगे तो इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन तो गेट रेडी तो लेट स्टार्ट तो इस चैप्टर में इस टॉपिक में अभी आपको स्टडी करना है सिस्टमैटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे उसके बाद में टेक्सोनॉमी क्या होता है उसको देखेंगे और लास्ट में नॉमिन लेक्चर का मतलब होता है नेमिंग तो so, सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म कॉल्ड डाइवर्सिटी तो डाइवर्सिटी का मतलब है वेरी लार्ज वैरायटी बहुत ही ज़्यादा वैरायटी अगर किसी चीज़ में चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है तो उसको कहते हैं डाइवर्सिटी तो हैव यू आइडेंटिफाइड ये पिक्चर क्या है तो यू मस्ट हैव इन्जॉयड द डिफरेंट वराइटीज ऑफ फ्रूट्स इजेंट इट तो फ्रूट्स में इतने सारे वराइटीज़ हैं यमी फ्रूट्स कुछ जूसी होते हैं कुछ ज़्यादा स्वीट होते हैं कुछ सॉर्ट होते हैं कुछ स्वीट सॉर टेस्टी होते हैं तो इन द सेम मैनर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेजम्स या वर्ल्ड कैन बी डिफाइंड एज द लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेजम्स विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ इन टर्म्स ऑफ नंबर तो डाइवर्सिटी नंबर के हिसाब से हैं इवन फॉर्म अगर आप वैरायटी देखोगे लिविंग ऑर्गिजम्स का अलग अलग फॉर्म्स के लिविंग ऑर्गेजम्स आपको मिलते हैं न साइज टाइनी बैक्टीरिया से ले कर हमको ब्लू वेल तक मिलता है विच इज़ द लार्जेस्ट मैमल एंड एनिमल इन द वर्ल्ड एंड इवन द प्लेस वेयर द लिविंग ऑर्गेजम्स आर सीन हैबिटेट वो भी एकदम डाइवर्स है पानी से ले कर हवा से ले कर ज़मीन के नीचे अंदर बाहर सब जगह पर आपको लिविंग ऑर्गजम्स मिलते हैं तो एवरीथिंग ओके okay, इतना सारा लार्ज वैराइटी जो है उसको हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड कहते हैं शॉर्ट में उसका साइंटिफिक टर्म है बायोडाइवर्सिटी यू कैन सी ए लार्ज वैराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गिज्म अराउंड अस सिंपल डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गिज्म मीन्स द वेरी लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गिज्म विच इज सीन अराउंड अस तो लिविंग वर्ल्ड इज वेरी रिच इन वराइटी यू कैन सी आप आइडेंटिफाई कीजिए देखिए कौन कौन से ऑर्गिजम्स आपको स्नेक दिख रहा है आपको एलिफेंट दिख रहा है आपको पिकक दिख रहा है आपको साथ में हॉर्नबिल दिख रहा है आपको साथ में पैरट दिख रहा है किंग फिशर दिख रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स दिख रहे हैं लिजर्ट दिख रहा है सो वॉट दिस लिविंग ऑर्गेजम्स इंडिकेट द वेरी लार्ज रेंज ऑफ ऑर्गेजम्स इन टर्म्स ऑफ साइज कलर हैबिटेट फिजोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर मेक अट रियलाइज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गिज्म जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था तो हर लिविंग ऑर्गिज्म में इतना सारा वेराइटी होते हुए वे भी दे हैव गॉट सम कॉमन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो अगर आप आपने आसपास के एरिया में नज़र दौड़ाओगे तो विल सी लार्ज वेरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गिजम्स हमारे आस ही बहुत सारे लिविंग ऑर्गिजम्स आपको देखेंगे प्लांट्स बर्ड्स रेप्टाइल्स इंसेक्ट्स मैमल्स फिशेज तो यह मशरूम है दिस इज द दाओ दिस इज द पैरट दिसिया दिस द एंग्री डॉग दिस इज द बॉयलर कॉक दिस इज द हनी बी टेकिंग हनी नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर दिस इ कॉकरोच वन ऑफ द कॉमन इंसेक्ट पेस्ट यह है साइकस प्लांट एंड दिस इज सनफ्लावर एंड दिस इज तो पिक्चर नहीं दिख रहा है दिस इज अर्थवम एंड यूर कॉट द काम लेबी और रोहू फिश सो ऑल दिस ऑर्गेजम विच वी कैन सी वेरी इजिली फ्राम आवर नेकर्ड आइट डायरेक्टली दे आर लार्ज एन साइज सो दे आर मैक्रोस्कोपिक और मेगास्कोपिक है ऑर्गेजम्स मैक्रो मतलब विच आर लार्ज इनफ टू भी सीन डायरेक्टली विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी डिवाइस और मेगा वो होते हैं जो बड़े ला बहुत बड़े साइज के होते हैं जैसे एलिफेंट हो गया वेल हो गया Then, अभी तो हमने देखा था जो आसपास अगर हम लोग किसी जोलॉजिकल गार्डन या बॉटनिकल गार्डन में जाते हैं तब इससे भी ज़्यादा वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गजम्स कैन बी सीन वाइल्ड एनिमल्स कैन बी सीन दोज एनिमल विच आर नॉट सीन इन अवर लोकल एरिया एंड दे आर ऑल्सो मैक्रोस्कोपिक और मेगास्कोपिक ऑर्गजम्स or लेकिन अगर हम किसी डेंस फॉरेस्ट या बायो रिजर्व तो आउटिंग में जाते हैं तब इससे भी ज़्यादा लिविंग ऑर्गिज्म को हम लोग देख सकते हैं स्टडी कर सकते हैं सो द रिचेस्ट यू कैन सी हॉट स्पॉट्स बोलते हैं उनको दे आर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इंसेक्ट्स बर्ड्स विल बी सीन हियर। एंड देर आल्सो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेजम्स लेकिन इन ऑर्गेजम्स के अलावा वी आर गॉट सर्टन ऑर्गेजम्स और सेवरल ऑर्गिज्म विच वी कैनॉट सी हमारे आस पास बहुत सारे ऑर्गेज्म ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते बिकॉज दे आर द इनविजिबल वर्ल्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइक्रोजम्स तो यू गॉट डाइनोफ्लजिलेट्स यू गॉट पेनिसिलियम फंगस है एक प्रकार का ये बैक्टीरिया है यह डायटम्स है पानी में रहता है क्लाइमेंडोमोनाज ग्रीन कलर का एल्गी यह डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू शेप दिस इज द फंगस

तो ईच डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गिज़म जो हमको दिखते हैं चाहे वो बड़े साइज़ के हैं छोटे साइज़ के हैं माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक उसे स्पीशीज़ कहते हैं क्या कहते हैं स्पीशीज होते हैं। एक पर्टिकुलर वराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गिज़म्स जैसे पोटैटो इज वन ऑफ द स्पीशीज ह्यूमन इज वन ऑफ द स्पीशीज डॉग इज़ वन ऑफ द स्पीशीज तो इन अब एक क्वेश्चन हमारे जब मन में आ रहा है कि कितने स्पीशीज़ है पूरे वर्ल्ड में गैस लगा सकते हैं आप सो डियर द नंबर ऑफ स्पीशीज आज तक जो डिस्क्राइब हुआ है मतलब जितने स्पीशीज हमें आज तक अर्थ में डिटेक्ट हुए हैं दे आर एस्टॉनिशिंग 1.7 टू 1.8 पॉइंट तो 1.7 से 1.8 मिलियन टाइप के लिविंग ऑगजम्स आर प्रेजेंट इन अर्थ जो हमने डिस्कवर किए हैं और उनमें से मैक्सिमम आर एनिमल्स 1.25 मिलियन एनिमल्स हैं 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं एंड अदर्स आर माइक्रोब्स तो रियली कैन सी वास्ट नंबर और जैसे जैसे नए एरियाज़ को साइंटिस्ट लोग डिस्कवर कर रहे हैं एंड इवन ओल्ड वंस न्यू ऑर्गजम्स आर कंटिन्यूसली बिंग आइडेंटिफाइड एंड एडेड तो ये नंबर फिक्स नहीं है आगे चल के जितने भी न्यू डिस्कवरीज होंगे तो दिस नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज तो अभी हमें इतने सारे वैरायटी लिविंग ऑर्गजम को स्टडी करना है और स्टडी है मैनर में नहीं करना है ई रेगुलर मैनर में नहीं करना है साइंटिफिक तरीके से करना है इन्हें सिस्टमैटिक तरीके से करना है तो वाइट इट इज नीडेड टू स्टडी द बायोडाइवर्सिटी सिस्टमेटिकली और नहीं करेंगे तो क्या होगा तो सबसे पहला कारण है कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेजम बहुत ही ह्यूज है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी एवरी ऑर्गेजम्स वन बाय वन सो एवरी ऑर्गेज्म हैज ए डिफरेंट लोकल नेम हर ऑर्गेजम को न केवल एक एनसी अलग अलग कंट्री में बल्कि इन द सेम कंट्री अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम दिया जाता है तो इट्स ए कन्फ्यूजन हो जाता है देन मेनी ऑर्गेजम्स आर कैप्ट इन रॉन्ग ग्रुप तो वी विल अंडरस्टैंड दैट विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल लेटर विच इज नॉट एक्यूरेट जैसे एक एग्जाम्पल दे देते हैं जैसे सी uh, हॉर्स तो हॉर्स नहीं है इट इज़ एक्चुअली फिश सो द नेम्स आर वेरी कन्फ्यूजिंग दैन इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गजम्स क्योंकि एवरी ऑर्गज्म किसी दूसरे ऑर्गज के साथ रिलेट रहता है ताकि इससे यह भी मालूम पड़े कि इवोल्यूशन कैसे हुआ दैन ओल्ड मेथड्स जो ग्रुपिंग का है क्लासिफिकेशन का है वो प्रॉपर नहीं है क्योंकि रॉन्ग ग्रुप्स आर क्रिएटेड सो दैट्स वाई स्टैंडर्ड प्लान इज रिक्वायर्ड कि इंटरनेशनल प्लान चाहिए जो हर साइंटिस्ट यूज करें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गिज्म में सिमिलैरिटी के साथ साथ डिफरेंसेस भी दिखा जाता है तो हमें प्रूव करना है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन द लिविंग वर्ल्ड तो इसके लिए देर मस्ट बी अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गिजम्स तो इसके लिए एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है दैट कॉल्ड सिस्टमैटिक्स तो ह्यूमन जो है इट हैज़ ऑलवेज यूज बायोडाइवर्सिटी फॉर इट्स ओन बेनिफिट तो फॉर फूड पर्पज़ हो गया मटेरियल हो गया तो हम लोग लिविंग ऑर्गिज्म चाहे प्लांट है एनिमल्स हैं माइक्रोज को यूज़ करते हैं एंड इसके लिए शुरुआत से ही हमें लिविंग ऑर्गेजम्स के बारे में क्या है इंटरेस्ट है तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड लार्ज वैराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गिज्म बिकॉज बहुत सारे हमारे नीड जो है लिविंग ऑर्गिज्म से ही पूरे होते हैं तो उसी से जन्म हुआ एक नया ब्रांच साइंस का और इस नए ब्रांच को जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गिजम्स के अलग अलग काइंड्स काइंड डाइवर्सिटी और उनका इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं इन ए सिस्टमैटिक मैनर इसको कहते हैं सिस्टमैटिक्स एक न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और सिस्टमैटिक्स के अंदर क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी आ जाता है विच इज़ द वे बाय विच वी क्लासीफाई द ऑर्गेजम क्योंकि ग्रुप करना सबसे इम्पोर्टेंट है साइंटिफिक स्टडी में ना अभी हम लोग सिस्टमेटिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं द वर्ड सिस्टमेटिक्स कम्स फ्रॉम द लैटिन टर्म जिसको सिस्टेमा कहते हैं सिस्टमा सिंपली मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट तो किसी भी डेटा को या मटेरियल को जो आपको स्टडी करना है जब उसको हम लोग सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं अलग अलग ग्रुप में ताकि उसको ठीक से आइडेंटिफाई कर सके उसको नेम दे सके उसको क्लासिफाई कर सके उसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नॉमिनलेचर तो ये तीन वर्ड आपको याद रखना है तो जब आप सिस्टमेटिक स्टडी करते हो तो तीन बात आनी चाहिए पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ द दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ दैट ऑर्गेजम और साथ में नेमिंग ऑफ दैट ऑर्गेजम तो वो नेमिंग भी साइंटिफिक तरीके से किया जाता है तो रिमेंबर सिस्टमैटिक इन्क्लूड्स थ्री एस्पेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नॉमिनलेन ऑर्गेजम्स और डूरिंग दिस वी हैव टू कंसिडर देयर इंटर रिलेशनशिप फ्रॉम द इुशनरी पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि उनका डेवलपमेंटल रिलेशनशिप जो है उसके आधार पे हम लोग आइडेंटिफाई क्लासीफाई और नॉमिलेचर देते हैं ताकि यू कैन सी वी विल एबल टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गिज्म इन ए मोर एक्यूरेट मैनर सो सिंपली सिस्टमैटिक इज द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गिज्म जिसमें हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो जे सिम्सन ने सिस्टमैटिक्स को डिफाइन किया है सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेजम्स एंड दर कम्पेरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स तो सिस्टेमेटिक इज़ द वे बाय विच वी स्टडी द ऑर्गजम इन सच ए वे सो दैट वी कैन कंपेयर देम फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू तो इससे हर लिविंग ऑर्गेजम्स का इंटर रिलेशनशिप हमें समझ सकता है कि कौन सा लिविंग ऑर्गिज़म किससे डेवलप हुआ है तो वो सीक्वेंस हमें समझ आ जाती है जब जा हम लोग सिस्टमेटिक के तरीके से क्या है लिविंग ऑर्गिजम को स्टडी करते हैं और कार्ल लेनेस इन्होंने ही सबसे पहले इस वर्ड को यूज़ किया था इन इस बुक कॉल सिस्टम आ नेचुरल यानी कि नेचर में जितने भी ऑर्गिजम्स हैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने इस बुक में क्या है लिखा है सो देर आर देर फॉर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टमेटिक्स तो पहला है आइडेंटिफिकेशन दूसरा है क्लासिफिकेशन तीसरा है नॉर्मल नेचर तो पहले देखते हैं तीनों का बेसिक मीनिंग क्या है तो आइडेंटिफिकेशन मीन्स वॉट इट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑरिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स सो दैट इट कैन बी करेक्टली क्लासीफाइड एंड नेम्ड तो सबसे पहला स्टेप सिस्टमेटिक्स में है कि जो भी ऑर्गेनिज्म को आपको स्टडी करना है उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन उसके फीचर्स को आपको क्या है आइडेंटिफाई करना है और इस तरह करना है ताकि उसको हम लोग प्रॉपर ग्रुप में क्लासिफाई कर सकें और उसको एक प्रॉपर नाम दे सकें साइंटिफिक तरीके से देन व्हाट इज नॉमिन लेचर तो नॉमिन लेचर सिंपली मीन्स नेमिंग सिस्टम इट इज़ द स्टैंडर्ड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट दे आर नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि ऐसा नाम देना है ताकि वो नाम हर जगह पर यूज हो यूनिवर्सल नेम ताकि कन्फ्यूजन न हो तो इसके बारे में उनको डिटेल में बाद में स्टडी करना है और तीसरा आस्पेक्ट है आपका क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन सिंपली मीन्स ग्रुपिंग मतलब ऑर्गिजम्स को अलग अलग स्पेसिफिक ग्रुप्स में डालना है आपको इंटू कन्वीनियंट ग्रुप्स और ग्रुप्स को हम लोग कैटेगरीज कहते हैं जिसको आपको अभी समझना है कैटेगरी किसको कहते हैं बेस्ड ऑन डिस्टिंग वेरी यूनिक कैरेक्टर एंड वेल डिफाइंड लॉ तो नियम के हिसाब से लॉ के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे ऑगिज्म को क्लासीफाई करेंगे यानी कि आइडेंटिफिकेशन मीन करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्लासीफिकेशन मतलब प्रॉपर ग्रुपिंग एंड नॉमिनेचर मतलब गिविंग स्टैंडर्ड नेम एंड ऑल दिस थिंग्स आर डन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रूल और ये रूल हमको अभी देखने हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अभी सिस्टमैटिक्स के चार मेन एम्स हैं यानी कि अगर हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो चार मेन एम को सामने रख के हम लोग स्टडी करते हैं तो पहला है वी हैव टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स एंड देयर कैरेक्टर तो सिस्टमैटिक के जरिए वी विल एक्वायर द बेसिक नॉलेज अबाउट एवरी इट्स जस्ट लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म सेकेंड है टू एसेटन साइंटिफिक नेम टू एवरी लिविंग फॉर्म तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फाइनली एक साइंटिफिक नेम मिलना चाहिए ये एम है तीसरा है टू एस्टैब्लिश द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब कौन ऑफ व्यू रिलेटेड डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हर लिविंग ऑर्गिज्म किसी न किसी दूसरे लिविंग ऑर्गिज्म का रिश्तेदार है या तो दूर का रिश्तेदारी है या तो नज़दीक का तो ये लिंक जो है इसको सिस्टमेटिक के ज़रिए हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं और तीसरा है चौथा है सॉरी टू अंडरस्टैंड देयर इकोलॉजिकल रोल एंड मीन्स ऑफ कंजर्वेशन तो ये भी हमें समझ में आता है कि हर ऑर्गेजम का एक्चुअल रोल नेचर में क्या है और उसको हम लोग किस तरह प्रोटेक्ट कर सकें क्योंकि एवरी लिविंग ऑर्गेजम वे इम्पॉर्टेंट फॉर द बायोस्फीयर लिविंग वर्ल्ड के लिए सो इन ऑर्डर टू स्टडी द काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गिज़म ईजिली तो बायलॉजिस्ट ने कुछ रूल्स और प्रिंसिपल को क्या किया स्टैब्लिश किया है फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए नॉमिन लेचर के लिए क्लासिफिकेशन के लिए और इस ब्रांच ऑफ साइंस को नाम दिया है टेक्सोनॉमी तो अभी हम लोग टेक्सोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं तो टेक्सोनॉमी इज दैट ब्रांच को हम लोग साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं जिसमें हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से लिविंग ऑर्गिज़म को स्टडी करते हैं तो अब हम लोग देखते हैं द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉल टेक्सोनॉमी तो सिंपल मीनिंग ऑफ टेक्सोनॉमी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ या साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गिज्म तो वर्ड टेक्सोनॉमी दो वर्ड से डेवलप हुआ है दोनों वर्ड ग्रीक का है तो आई हैव शोन इट फॉर्म टेक्सो को रेड में रखा है नॉमी को ग्रीन में रखा है तो टैक्सो कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल टैक्सेस एंड टैक्सेस का, का मतलब होता है अरेंजमेंट या क्लासिफिकेशन और नोमस का मतलब होता है लॉ और रूल या नियम इनके सिंपल मतलब है जब हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेजम को क्लासिफाई करते हैं या अलग अलग ग्रुप में अरेंज करते हैं बेस्ड ऑन सर्टन लॉ फिक्स लॉ उसको हम लोग कहते हैं टेक्सोनॉमी सो दस टेक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन फॉलोइंग सर्टन रूल्स और प्रिंसिपल तो किसी भी लिविंग ऑर्गेजम्स को या ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेजम को हम लोग क्लासिफाई करते हैं यूजिंग द वेल डिफाइंड रूल्स तो उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं तो टेक्सोनॉमी को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था हिज नेम वॉज कैरोलस लेनियस इज ए स्वीडिश वॉज ए स्वीडिश बायोलॉजिस्ट एंड ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यानी कि जो भी नियम टेक्सोनॉमी के हैं तो सबसे पहले कैरोलस नैनस ने डेवलप किए एंड ये टर्म जो है टेक्सोनॉमी इट वॉज गिवन बाय ए पी डे कैंडोल वॉज अ स्विस बॉटनिस्ट तो ही इंट्रोड्यूस द टर्म वॉट टेक्सोनॉमी तो बोथ ऑफ देम हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंसली वॉट द इनिशियल साइंटिफिक लिटरेचर अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स तो कार लिन इन शॉर्ट कैरिस को कहते हैं तो नंबर ऑफ बुक्स उन्होंने पब्लिश किया तो वी आर गॉट सिस्टम इन नेचर है सबसे पहला बुक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था स्पीशीज प्लानिटेरियम फंडामेंटल ऑफ बॉटनिका और जनरा प्लानेरियम इवन कैंडोल द बुक्स प्रोड्रोमस सिस्टमैटिक्स फ्लोरी फ्रेंच वेजिटेबल ऑर्गेनोग्राफी कैटोलोग ऑफ प्लेटोरियम हॉर्टिकल्चर तो इसमें सिस्टमी नेचुर कंटेन ऑल द रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वॉट लिविंग ऑर्गेजम्स स्पेशल प्लांट स्पीशीज प्लानिटोरियम में प्लांट के जितने भी स्पीशीज हैं उनका लिस्टिंग किया गया है एंड फंडामेंटल बॉटनिका में बॉटनी से रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रूल्स हैं उन सबको उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है so these are the यू कैन सी ओरिजिनल यू कैन सी बुक्स written ऑन botany तो टेक्सोनॉमी जो है तो इट इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन तो उसके चार बेसिक प्रोसेस हैं तो टेक्सोनॉमी में चार प्रोसेस किया जाता है तो पहला है कैरेक्टराइजेशन तो व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गिज्म सच एज एक्सटर्नल या इंटरनल कैरेक्टर स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेश तो ये इन्फॉर्मेशन ये एस्पेक्ट जो है इसको यूज करके हम लोग लिविंग ऑर्गिज्म को फिर क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं तो सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन इट इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गिज्म सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल क्योंकि अगर आप आइडेंटिफाई ठीक से नहीं करोगे तो नाम देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एंड थर्ड अस्पेक्ट इज़ क्लासिफिकेशन इट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन कैरेक्टर और चौथा एस्पेक्ट है नॉम इन लेचर दैट इज नेमिंग सिस्टम दट इज़ द स्टैंडर्ड नेमिंग ऑफ द ऑगजम सच दैटम इज़ नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड तो अल्टीमेटली सिस्टमेटिक और टेक्सोनॉमी में एक डिफरेंस आ गया है कि टेक्सोनॉमी स्टार्ट विद कैरेक्टराइजेशन तो हम लोग सबसे पहले लिविंग ऑर्गजम्स के सारे कैरेक्टर्स मेन मेन डिस्टिंगशिंग फीचर्स को स्टडी करते हैं बेस्ड ऑन इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोसेस इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा उसके हिसाब से फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग आइडेंटिफाई क्लासीफाई और नेम देते हैं तो मॉडर्न टेक्नोलॉमिकल स्टडी देयर फोर इज बेस्ड ऑन फोर एस्पेक्ट तो पहला है एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर दूसरा है कम्पोजिशन ऑफ द सेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ऑफ दैट ऑर्गेज्म तीसरा है द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेजम रिप्रोड्यूस एंड डेवलपमेंट एंड चौथा है द इकोलॉजिकल रोल एंड इंट्रैक्शन तो ये चार एस्पेक्ट जो है इन्हीं को स्टडी करके हम लोग लिविंग ऑर्गिजम्स को नाम देते हैं उसको क्लासिफाई करते हैं एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमिकल स्टडी तो एवरी लिविंग ऑर्गिज्म इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर फॉरिस्ट्री इंडस्ट्री मेडिसिन रिसर्च तो बाय दिस स्टडी वी कैन आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज़ ऑफ द पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेजम दूसरा है टू नो अवर बायो रिसोर्सेज एंड दैट डाइवर्सिटी इन जनरल तो इतने सारे वैरायटी के बारे में हमें जनरल नॉलेज एक्वायर होता है तो एस्टैब्लिश यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड इंटर रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेजम्स का इंटर रिलेशनशिप जरूरी है क्योंकि अगर एक ऑर्गज्म को बचाना है तो उसके लिए उससे रिलेटेड जितने भी दूसरे ऑर्गेजम्स हैं उनको भी आपको बचाना है और मेनटेन हारमोनी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन इट तो इसके लिए टेक्सोनॉमी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट अब हम देखते हैं नेमिंग कैसे किया जाता है स्टैंडर्ड नेमिंग कैसे किया जाता है तो उसके पहले सबसे पहले बेसिक मीनिंग समझते हैं नॉमन लेचर किसको कहते हैं तो इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ गिविंग स्पेसिफिक नेम टू एनीथिंग तो किसी भी चीज़ को एक स्पेसिफिक नाम दिया है हम सभी सभी को बचपन में देखिए नाम दिया गया है उस नाम के पीछे एक मीनिंग रहेगा कुछ तो भी पर्पज रहेगा इवन लिविंग ऑर्गेजम्स को भी नाम दिया है जब हम लोग बोलते हैं कैट तो इमीडिएटली ये फिगर हमारे सामने आ जाता है वॉट इज कैट व्हाट इज डॉग तो वाई नेमिंग सिस्टम या नॉमन लेक्चर जरूरी क्यों है क्योंकि इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन तो नेम इज लाइक एन आइडेंटिटी इट ऑल्सो इंडिकेट रिलेशनशिप बिकॉज जब नाम दिया जाता है इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन फीचर्स तो फीचर उससे रिलेट हो जाता है उस चीज़ से और सबसे इम्पोर्टेंट है विद द हेल्प ऑफ नेम वम्युनिकेट इचर दर्ट तो इन्हें क्लासरूम आपको टीचर आपके नाम से बुलाती है तो इमीजिएटली सबको मानना पड़ता है कि हु इज़ बीन कॉल्ड सो दैट्स वाई नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिर नॉर्मल लेक्चर के तीन मेन टाइप्स हैं एक है वर्ना नेमिंग वर्नाइकलर मतलब होता है लोकल नेम तो किसी भी लिमिंग हो गई सबसे पहले नाम पढ़ता है वो लोकल लोग देते हैं तो उसको वर्नाकलर नेमिंग कहते हैं तो उसका ड्रॉबैक्स है दूसरा तरीका है साइंटिफिक नेमिंग लेकिन जो नेमिंग यूनिवर्सल है वो है बाइनॉमिल नॉमलेक्चर जो साइंटिफिक नॉमिलेचर का एक मॉडिफिकेशन है जिसको आपको डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग बाद में अभी वर्नाइकलर नॉमिलेचर का प्रॉब्लम क्या है तो हर लिविंग ऑर्गेजम्स को डिफरेंट लोकल नेम से पुकारा जाता है तो इससे होता है कंफ्यूजन क्योंकि नॉट ओनली इन ए पर्टिकुलर कैन से स्टेट इवन कंट्री में किसी भी फ्रूट वेजिटेबल वेजिटेबल का नाम अलग अलग रहता है और पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो नेम इज़ वेरी डाइवर्स फॉर द सेम थिंग तो उसे कन्फ्यूजन होता है और इससे फिर कम्युनिकेशन में आप किसके बारे में स्टडी कर रहे हो किसके बारे में बात कर रहे हो तो उससे कन्फ्यूजन होता है एंड दैट्स वाई लोकल नेम्स आर नॉट एक्सेप्टेड यूनिवर्सली तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सो देर आर सर्टन नेम्स विच आर कन्फ्यूजिंग जैसे स्टार फिश फिश नहीं है वो तो एक इकैनोडर्म है और कटल फिश वो, वो भी फिश नहीं है वो एक मोलूस का कैटेगरी का है ये देखिए है तो इट इज नॉट ए फिश सी हॉर्स अमेजिंग तो सी हॉर्स इज एक्चुअली फिश तो हॉर्स नहीं है फिर सिल्वर फिश इज ऑल्सो नॉट ए फिश इज इज अ इंसेक्ट एंड जेली फिश इज ऑल्सो नॉट ए फिश इज इज ए सिलेंड्रिक कॉमन नेम जो लिविंग ऑर्गेजम्स को सबसे पहले दिए तो उसे कन्फ्यूजन होता है फिर एक ही लिविंग ऑर्गेजम्स के अलग अलग नेम होते हैं अलग अलग एरिया में जैसे दिस इज ए स्वीट पेटाटो। तो स्वीट पेटाटो इंग्लिश में बोलते हैं तो मराठी में कहते हैं इसको रताड़ू बंगाली में इसको मीठा आलू कहते हैं और हिंदी में इसी को शकरकंद कहते हैं तो इफ़ ए परसन हु नोज मराठी डज नॉट नो हिंदी तो ही विल भी कन्फ्यूज इजेंट इट या जिसको इंग्लिश मालूम है उसको बाकी लैंग्वेज मालूम नहीं है तो ही विल भी कन्फ्यूज ओके ऑल्दो द अदर पर्सन विल भी टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग लेकिन सो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व द साइंटिफिक नेम ऑफ स्वीट पेटाटो इज कॉल्ड इपोमिया बटाटा विच इज द यूनिवर्सल नेम ऑफ स्वीट पटाटो तो आपको अभी समझना है कि यह यूनिवर्सल नेम कैसे दिया जाता है सो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वर्नाक्युलर और लोकल नेम्स तो बायोलॉजिस्ट उन्होंने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल या इंटरनेशनल कोड को एक्सेप्ट किया है ताकि हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेजम को एक साइंटिफिक नेम दे सकें और जो सबसे कॉमन एक मेथड हम लोग यूज़ करते हैं वो है बाई नोमियल नॉम लेचर तो बाई मिस टू नोमिया मतलब टर्म एंड नोम लेचर मतलब नेमिंग सिस्टम तो इस सिस्टम के हिसाब से तो सबसे पहले यह सिस्टम जो है प्लांट्स और एनिमल्स के नेम्स को डेवलप करने के लिए डेवलप हुआ था तो जोलॉजिकल नेम मतलब एनिमल नेम्स जो है उसके रूल्स दिए गए हैं आई सी जेड एन इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमिनचर और बॉटनिकल नेम के लिए है आई सी बी एन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नामिन्रेचर तो आई सी जेड एन फॉर एनिमल नेम जोलॉजिकल नेम एंड आई सी बी एन फॉर प्लांट नेम दैट इज़ बॉटनिकल नेम रिसेंटली बॉटनिकल नेम्स के लिए एक दूसरा एक कोड डेवलप हुआ है इसको न्यू सेंजन कोड कहते हैं चाइना में ये डेवलप हुआ है उसको कहते हैं आई सी एन ए एफ पी इसका मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमिनेचर फॉर एलगी फंगा एंड प्लांट्स क्योंकि पहले एलगी एंड फंगा बोथ वर इंक्लूडेड इन प्लांट्स तो अब अलगी और फंगा प्लांट्स आर थ्री डिफरेंट ग्रुप्स तीन डिफरेंट किंगडम्स है तो इसके लिए उसको स्टडी अलग अलग लेवल पे करना पड़ता है तो इसके लिए रूल्स डिफरेंट होने चाहिए तो अब हम लोग देखते हैं बायनोमियन नॉमल नेचर के रूल्स उसको किन्ने किस पर्सन ने डेवलप किया तो सिंपल मतलब होता है टू टर्म नेमिंग सिस्टम तो बाइनोमियल नॉम का मतलब है टू टर्म नेमिंग सिस्टम इट इज अस्टम ऑफ गिविंग यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गिज यूजिंग टू वर्ड्स और टू टर्म्स जिस तरह एक पर्टिकुलर पर्सन का भी नाम जो होता है दो टर्म होता है एक तो उसका नाम और दूसरा सर नेम जैसे माई नेम इज रवेश रोहेकर तो रवेश इज माई फर्स्ट नेम एंड रोहेकर इज माई सेकेंड नेम तो हम लोग देखते हैं कि स्वीट पटेटो का साइंटिफिक नेम जो इपोमिया पटाटा है तो वो कैसे डेवलप हुआ तो स्वीट पटेटो का साइंटिफिक नेम है इपोमिया बटाटा तो उसमें इपोमिया रिप्रेजेंट वन वर्ड फर्स्ट वर्ड एंड बटाटा रिप्रेजेंट द सेकेंड वर्ड तो इपोमिया इज द फर्स्ट टर्म जो जेनरिक नेम कहा जाता है विच इज द नेम ऑफ द जीनस तो ये पटेटो जिस ग्रुप को बिलोंग करता है जीनस को बिलोंग करता है वो है इपोमिया तो इट इज कंसिडर्ड एज प्रॉपर नाउन एंड ये जो बटाटा है विच इज द सेकेंड टर्म इट इज कॉल स्पेसिफिक नेम बिकॉज इट इज द नेम ऑफ द स्पीशीज तो अकॉर्डिंग टू द रूल तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले क्लासिफाई करते उसके बाद में वो जिस जीनस को बिलोंग करता है उससे फर्स्ट टर्म और जिस स्पीशीज को बिलोंग करता है उसका सेकेंड नेम और स्पीशीज जो है इट इज एक्टिंग लाइक एन एडजेक्टिव या स्पेसिफिक एपथेट तो फर्स्ट नेम इज़ लाइक ए नाउन एंड सेकेंड नेम इज़ लाइक द एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी एंड दिस नेम सिस्टम वॉज ऑल्सो डेवलप बाई कैरल लिनियस इज ऑल् कॉल्ड द फादर ऑफ टेक्सोनोमी जो हमने पहले ही स्टडी किया तो कैरल लिनेस सबसे पहले अपना नाम ही शॉर्ट किया अपने नाम को उन्होंने का लिन की तरह लिखना चालू किया और फिर ये सिस्टम उन्होंने लिविंग ऑर्गजम्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया तो सबसे पहले अभी हम लोग बेसिक रूल्स देखेंगे बायनोमेल नॉमेल लेक्चर का तो सबसे पहले हम लोग लिविंग वाउसों को क्लासिफाई करते हैं और उसके बाद में उसके जो दो साइंटिफिक नेम हमको यूज़ करना है उसको लैटिन में लिखा जाता है या ग्रीक में लिखा जाता है तो पहला नेम जो है वो जीनस से आना चाहिए उसको जेनरिक नेम कहते हैं जो प्रॉपर नाउन है और सेकेंड वर्ड जो है वो स्पीसीज नाम से आता है वो जैगजेवटी है या एपिथेट कहा जाता है और ईच वर्ड दोनों वर्ड जो है उसमें मिनिमम तीन या मैक्सिमम तेरह लेटर होने चाहिए तीन से कम नहीं और तेरह से ज़्यादा नहीं तो वी हैव टू मेक एडजस्टमेंट इन द वर्ड इफ इट हैपन्स लाइक दैट फिर जनरेट नेम विल ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल तो जीनस का नाम जो है सबसे पहले कैपिटल से स्टार्ट होगा बाकी सब लेटर्स स्मॉल और स्पेसिफिक नेम जो है वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाएगा फिर दोनों नाम को इटलाइज इतल, किया जाता है जब प्रिंट किया जाता है तो प्रिंटिंग में बहुत द वर्ड्स आर यूटिलाइज और अगर हम लोग लिखते हैं मैनुस्क्रिप्ट में मतलब हाथ से जब लिखते हैं हैंड रिटर्न लिखते हैं तब दोनों वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन करना है और लास्ट में वी कैन इवन इंट्रोड्यूस द नेम ऑफ द ऑथर जिस पर्सन ने इसको डिस्क्राइब किया इस ऑर्गिज्म को उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं एज ए थर्ड टर्म और इसको साइटेशन कहते हैं तो दिस इज़ नॉट कंपल्सरी सो एज ए मार्क और रेस्पेक्ट टू लिन तो हम लोगों ने साइटेशन बाद में ऐड किया एज ए थर्ड टर्म तो लेट्स टेक एन एग्जांपल हम लोग मैंगो का सबसे पहले साइंटिफिक नेम देखेंगे और बाद में हमारा खुद का साइंटिफिक नेम देखेंगे तो सबसे पहला रूल है कि दोनों साइंटिफिक नेम को लैटिन में लिखना चाहिए तो इसमें फर्स्ट वर्ड जो है वो जीनस का नाम है तो मैंगो का जीनस है मैंगीफेरा मैंगीफेरा इज द लैटिन वर्ड फॉर मैंगो एंड जीनस ऑफ ह्यूमन इज होमो होमो का ही मतलब होता है ह्यूमन तो होमो इज द लैटिन टर्म फॉर ह्यूमन एंड मैंगीफेरा इज द लैटिन टर्म फॉर मैंगो देन सेकेंड वर्ड शुड बी द नेम ऑफ द स्पीशीज तो मैंगो बिलोंग्स टू द स्पीशीज इंडिका इंडिका का मतलब होता है इंडियन ओरिजिन मतलब इंडियन मतलब भारत का प्रोड्यूस है भारत में पाया जाता है और ह्यूमन का जो स्पीशीज का नाम है वो सेपियन सेपियन का मतलब होता है है वाइज वाइज थिंकिंग थिंकिंग तो इसके लिए ह्यूमन का साइंटिफिक नेम मैन फिर थर्ड फोर्थ रूल है कि दोनों वर्ड्स देखिए तो वो तीन से ज्यादा है और तेरह से कम है यू कैन काउंट एंड चेक फिर जेनरिक नेम विल स्टार्ट विथ कैपिटल तो आपको महंगी को इस तरह लिखना है कि खाली पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और जो स्पेसिफिक नेम है उसको स्मॉल में लिखना है सिमिलरली ह्यूमन में होमो में पहला लेटर एच लिखना है बाकी सब लेटर स्मॉल अकॉर्डिंग टू रूल और दोनों नेम को आपको अभी इटलाइज्ड करना है अगर प्रिंटिंग करेंगे या सेपरेटली अंडरलाइन करना हैंड रिटर्न तो वी हैव रिटर्न द नेम्स इन यूटिलाइज मैनर इंडिका एंड फॉर ह्यूमन इट इज एंड द लास्ट इज द नेम ऑफ द आथर इन दोनों ऑर्गिज्म को कैरोलेस लिन ने ही डिस्क्राइब किया था इसके लिए नाम हो जाएगा मैंगीफरा इंडिका लिन और ह्यूमन का नाम हो जाएगा होमो सेपियन लिन अगर हम हैंड रिटन करते हैं तो हमको अंडरलाइन करना है तो लास्ट लाइन में मैंने इस तरह शो किया है कि वी हैव हैंड रिटन सो दैट्स वाई वी हैव अंडरलाइन सो दिस इज़ द इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल ऑफ The rules of binomial nomenclature. चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं लिन ने और एग्जाम्पल ये थे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कॉकरोच का जेनरिक नेम है पेरी प्लेनेटा एंड स्पेसिफिक नेम है अमेरिकाना पोटेटो का है सोलैनम टू नाइटशेड नाइट शेड का है सोलान निगरम टोमेटो का है सोलैनम लाइको पेरसिकम ब्रिंगजलिस सोलैनमेंग मिलना लाइन का है पैंथेरा लियो टाइगर का है पैंथेरा टिग्रिस एंड लिपर्ड का है पैंथेरा पार्डोस एंड अबाउट 90% परसेंट जो आज हमें मालूम है उनको लिन ने ही नाम दिया है सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक एंड यू कैन सी बाय फॉर टुडे एंड वी विल सून यू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर तो बाय बाय नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे Taxonomical categories. So, bye for now. Good day.